नमस्ते मित्रों, आज मेरे साथ नित्यानंद मिश्रा जी हैं। आप उनको नमस्ते। जानते हो, वो हमारे चैनल में कई बार पहले भी आ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मेरे को कई लोग कहते हैं, अपने हिंदी स्पीकिंग भाई भाई बहन जो नॉर्थ इंडिया में हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी पुस्तकों में वाई ओ जी ए योग क्यों लिखते हो? वाई ओ जी योग होना चाहिए, या राम आर ए एम होना चाहिए, आप कई बार आर ए एम ए लिखते हो, या कृष्णा को के आर आई एस एच एन ए कृष्ण कहते हो, लेकिन के आर आई एस एच एन होना चाहिए विदाउट ए। तो ये बात चलती जा रही है। अब इसके कई भाग हैं इस प्रॉब्लम के, और हमारे पास ये एक्सपर्ट है, मैं इनसे ये प्रश्न पूछूंगा। लेकिन मैं पहले आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि है क्या बात। तो ये बात ये है, एक तो मेरे नॉर्थ इंडियन बहुत मेरे फॉलोअर्स हैं, साथी हैं, लेकिन साउथ में भी बहुत हैं, और मेरे को नॉर्थ साउथ ईस्ट सारे भारत में मेरे को प्यार मिलता है, और मेरे को सारे भारतीय प्यारे लगते हैं। तो जब मैं नॉर्थ में जाता हूँ, नॉर्थ इंडियन की तरह से बातचीत करता हूँ, जब मैं साउथ में जाता हूँ तो मैं उनकी तरह बातचीत करता हूँ। अब वहां मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक्चुअली आपको शायद मालूम ना हो, मेरे साउथ में ज्यादा फॉलोअर्स हैं नॉर्थ से। और आपको ये भी हैरानी होगी कि जब भी मैं इंडिया जाता हूँ, मैं साउथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, और ये नॉर्थ इंडियंस को करना चाहिए। नॉर्थ इंडियंस को साउथ में ज्यादा टाइम स्पेंड लगाना चाहिए। साउथ वाले तो नॉर्थ में करते हैं, काफी काफी भाग भाग देते हैं, भाव देते हैं नॉर्थ इंडियन को, लेकिन नॉर्थ वालों को भी ऐसे करना चाहिए। और सारे भारतीयों को ईस्ट इंडिया में भी जाना चाहिए, और ईस्ट इंडिया से नॉर्थ ईस्ट से बाकी देशों में, बाकी रीजन्स में, स्टेट्स में भी आना चाहिए। ऐसे हमको मिक्स होना चाहिए। एक तो ये बात है कि मैं नॉर्थ इंडियन की तरह नहीं बोलना चाहता, मैं भारतीय बोलना चाहता। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो संस्कृत है वो एक हमारे लिंक लैंग्वेज रही है, लेकिन जो बाकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत से जुड़ी हुई हैं, पर संस्कृत के जो शब्द हैं उनको वो अडेप्ट करती हैं, कॉन्टेक्स्ट में ले आती हैं, थोड़ा चेंज होता है, प्रोनंसिएशन चेंज होता है थोड़ा से। ये कोई इसमें ये खूबी है, ये कोई बुराई बुरी बात नहीं है। ये संस्कृत में ही लिखा है कि ये कुछ सब कुछ हो सकता है, और ये ठीक ही हो सकता है। तो इसके कारण कुछ नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में जो अंतर हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो इंग्लिश में हम लिखते हैं, लिखना इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो किस तरह से प्रोनाउंस करना है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप लिखते हैं योग, अब जो ग है उसके नीचे आप आधा भी कर सकते हैं उसको, लाइन लगा के उसको ग के नीचे, तो मतलब योग पूरा नहीं हुआ, योग। लेकिन जब आप यो और पूरा ग लिखते हैं तो फिर वो हुआ योग। उसके बाद आ लगाते हैं तो योग या योगा। तो इसका मतलब तीन प्रोनाउंसिएशन, तीन तरह के योग, योग, योगा। पहला राम, दूसरा राम, तीसरा रामा। पहला कृष्ण, दूसरा कृष्ण, तीसरा कृष्णा। पहला नगर, दूसरा नगर, तीसरा नगरा। तो जब हम ए लिखते हैं तो हमारा मतलब ये है कि वो मिडिल वाला है। ए नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा योग, योग नहीं होगा, योग, योग। वो ग पूरा भी नहीं हुआ। यदि हम ए ए लिखे तो होगा योगा। तो वाई ओ जी को योगा नहीं है, वो योग, योग है, इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन हम कई बार ऐसे कर चुके हैं, कई बार बिल्कुल हर रोज कोई ना कोई ऐसे बोलता रहता है कि आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, हिंदी वालों को। तो मैंने समझा कि मैं एक ऐसा अथॉरिटी एक्सपर्ट लाऊंगा, ऐसा अधिकारी लाऊंगा जो नॉर्थ से भी जुड़ा हुआ है, साउथ से भी जुड़ा हुआ है। नित्यानंद जी को नॉर्थ इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, साउथ इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एवरीबडी सेज ही इज अ संस्कृत स्कॉलर बियॉन्ड एनी रीजनल बायस। तो विद दैट इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ आई टर्न ओवर टू नित्यानंद जी। नित्यानंद जी, आपका क्या विचार है ये समस्या के बारे में? जी, तो मूल शब्द जो संस्कृत में है वो है योग, और इसको हम समझेंगे तो हमें ऐसे समझना चाहिए कि इस शब्द के उच्चारण में तीन मात्राएं, जो यो के पश्चात, यो में य के पश्चात जो ओ का स्वर है उसकी दो मात्राएं यो, और जो ग में,
ग व्यंजन के पश्चात अ स्वर है उसकी एक मात्रा, योग। तो यदि हम इसको गणित की दृष्टि से देखें तो योग बोलने में जो हम ग बोलते हैं उसमें जितना समय लगता है उसका दुगुना लगना चाहिए यो बोलने, क्योंकि यो में ओ एक दीर्घ स्वर है जो पाणिनी ने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीन स्वरों को अपने अष्टाध्यायी में व्याख्यायित किया है। तो जो दीर्घ स्वर है उसकी दो मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं अर्थात दो उसका जो उच्चारण काल है, द टाइम टेकन टू प्रोनाउंस अ दीर्घ स्वर इज टू मात्रास, और ह्रस्व स्वर में एक मात्रा होती। तो यदि हम इसको समय की दृष्टि से देखें तो योग ये शुद्ध उच्चारण है, आप तीन इंस्टेंट्स अथवा तीन मात्राओं में इसको योग ये शुद्ध उच्चारण, और ये तो संस्कृत जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता ही है क्योंकि उसके बिना तो कहीं छंद पूरा नहीं होगा। जब संस्कृत में हम अनुष्टुप छंद लिखेंगे अथवा कोई भी काव्य लिखेंगे अथवा प्राकृत में भी हिंदी में भी जब कविता लिखेंगे, जैसे रामचरितमानस है अथवा ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, इनमें भी जब कविता लिखते हैं तो तीन मात्राएं पूरी बनेंगी, नहीं बनेंगी तो आपका छंद टूटेगा। अब जैसे मैं एक पंक्ति लेता हूं, मैं हिंदी की ही पंक्ति लेता हूं क्योंकि हिंदी भाषियों का प्रश्न है। तो मानस की एक पंक्ति है, जब राम जी का वनवास होता है और दशरथ का निधन होता है तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह राउ गयउ सुरधाम। अब यहाँ राम राम कही राम कही, यहाँ 13 मात्राएं हैं, यदि हम उसको राम कही कहेंगे तो 13 मात्राएं नहीं बनेंगी, तो वहां पे 3 मात्राएं घट जाएंगी, राम राम कही तो वहां 10 ही मात्राएं बनेंगी। तो शुद्ध उच्चारण काव्य में भी, हिंदी में, अवधि में, ब्रज में भी राम ही है और योग ही है। अब जैसे योग शब्द को ही लीजिए तो इसका योग उच्चारण, ये एक हिंदी में, और हिंदी में ही नहीं, बंगाली में, गुजराती में, मराठी में, उत्तर भारत और पश्चिम भारत की बहुत सारी भाषाओं में एक लिंग्विस्टिक फिनोमिनन है, एक भाषीय प्रकृति है जिसे कहते हैं श्वा सिंकोप, इसके लिए टेक्निकल टर्म है। जो अंतिम अकार होता है शब्द का, संस्कृत के शब्दों का विशेषतः, उसका और कहीं कहीं मध्य आकार का भी उच्चारण नहीं होता बोलचाल में, और ये एक प्रकृति है, इट्स अ नेचर ऑफ द लैंग्वेज, और इन सभी भाषाओं में है। तो आप जैसे देखेंगे तो राम किसी का नाम है तो आर ए एम ही लिखता है अंग्रेजी में, हिंदी में तो पूरा लिख देते हैं राम, पर बोलते हैं राम। तो ये भाषा की प्रकृति है, विकृति आई है भाषाओं में, और इसमें कोई अच्छी अथवा बुरी बात नहीं है, ये भाषाओं की प्रकृति है। जैसे आप देखें दक्षिण में भी भाषाओं की प्रकृति है, यदि आप कन्नड़ा को लें तो कोई भी शब्द जिसका जिसके अंत में, संस्कृत के शब्द जिसके अंत में दीर्घ आकार आता है उसका ए हो जाता है, जैसे संस्कृत में है नगर पालिका तो कन्नड़ा में हो जाता है नगर पालिके, बेंगलुरु नगर पालिके, तो ये आ का ए हो जाता है, तो ये कन्नड़ा की प्रकृति है। इसी प्रकार हिंदी की प्रकृति है, और इसको यदि हम दूसरे ओर से देखें तो कहीं कहीं दक्षिण भारत में भी ये श्वा सिंकोप दिखता है, और नामों में तो विशेषतः दिखता है। आपको ध्यान होगा एक कन्नड़ा चलचित्रों के अभिनेता हैं, फेमस एक्टर थे, डॉक्टर राजकुमार, और बहुत बड़े अभिनेता हैं कन्नड़ा फिल्म जगत के, बहुत इनको सम्मान मिले हैं, और इनकी प्रसिद्धि कर्नाटक से बाहर भी है। विशेषतः इनकी प्रसिद्धि कर्नाटक से बाहर तब हुई थी जब वीरप्पन ने इनका अपहरण किया, आपको स्मरण होगा। तो डॉक्टर राजकुमार इनका नाम है, अब संस्कृत का शब्द है, संस्कृत नाम है राजकुमार, परंतु यदि आप कन्नड़ा में देखेंगे और जगह जगह इनके स्थानों स्थानों पर, बैंगलोर में और
बेंगलुरु में और कहीं कहीं अन्य स्थानों पर भी इनके इनकी मूर्तियां लगती हैं, इनके बस्ट लगते हैं। तो वहां लिखते हैं डॉक्टर राजकुमार, और जैसे हम हिंदी में नीचे एक तिरछी रेखा लगा देते हैं हल्का चिन्ह दिखाने के लिए, वैसे कनाडा में ऊपर एक एक गोल बनाते हैं, हुक बनाते हैं ऊपर शिरोरेखा की ओर दाई ओर। तो जहां जहां आप देखेंगे डॉक्टर राजकुमार, तो राज में जो ज है उसके ऊपर भी हुक लगाते हैं और कुमार के र में भी लगाते हैं। तो नामों में दक्षिण भारत में भी ये देखा जाता है। आप देखें तो संस्कृत के एक कवि हैं शंकर राजा रामन, वो लिखते हैं SHN SHANKAR, शंकर नहीं लिखते, ए नहीं लगाते। शतावधानी गणेश जी भी GANESH लिखते हैं और उनका नाम कन्नड़ा में लिखा जाता है तो श के ऊपर हुक लगता है। तो ये श्वास इनको मुझे लगता है दक्षिण भारत में भी जो नामों में है ये हो सकता है, संभव है उत्तर भारत की इस भाषीय प्रकृति का प्रभाव है, परंतु है। तो ये विकृति है जो एक संस्कृत के शब्दों में विकृति, जो एक भिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं की प्रकृति है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो जब हम हिंदी भाषी लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम योग बोलते हैं और योग सुनते हैं और योग समझते हैं, और दक्षिण में जब बोलते हैं तो वहां दीर्घ आकार हो जाता है योगा। तो यदि हम योग बोलेंगे तो योग दो मात्रा समाप्त संस्कृत की दृष्टि से अशुद्ध है, और योगा चार मात्रा ये भी संस्कृत की दृष्टि से अशुद्ध है, अपनी अपनी भाषा में ये शुद्ध है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ये तत्त्व भाषा में ठीक है। जब हिंदी भाषी लोग बात कर रहे हैं तो वैसे बोलते हैं, जब दक्षिण भारत में कुछ लोग बात करें तो उसको दीर्घ बनाते हैं, कहीं कहीं समवृत्त आकार होता है, कहीं कहीं विवृत आकार होता है जिसमें मुख अधिक खुला रहता है। परंतु यहाँ केवल समय की दृष्टि से हमें देखना है, क्योंकि जो यो ग में ग के पश्चात जो स्वर है इट्स अ शॉर्ट वॉल और अ ह्रस्व स्वर। तो ये यो ग उच्चारण जो है ये संस्कृत की दृष्टि से शुद्ध है, तीन मात्रा वाला। और यदि हम सब लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो यदि हम ऐसा संवाद कर रहे हैं जिसमें उत्तर भारतीय भी हैं, दक्षिण भारतीय भी हैं, पूर्व के भी हैं, पश्चिम भारतीय भी हैं, और वैश्विक स्तर पर हम संवाद कर रहे हैं, भारतीय स्तर पर संवाद कर रहे हैं, तो योग को YOGA लिखना ही उचित है और योग बोलना ही उचित है, क्योंकि यहाँ हम केवल एक भाषा की सीमा में बंध कर बात नहीं कर रहे, यहाँ हम एक व्यापक स्तर पर बात कर रहे हैं। और व्यापक स्तर पर यदि हमें बात करनी है तो हमें स्थानीय क्षेत्रीय बोलियों में जो तत्त्व प्रकृति अथवा विकृति है उसको छोड़कर मूल संस्कृत शब्द को, जो संस्कृत भाषा सब भारतीय भाषाओं को जोड़ती है, उस मूल संस्कृत शब्द का शुद्ध उच्चारण यदि करें तो वही श्रेयस्कर है, यह मेरा मत है। अच्छा, अब इसी को यदि हम एक बड़ी विचित्र बात, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं राम कहें, राम कहें, रामा कहें, रामा कहें, क्या उचित है? तो मैं एक शास्त्रीय बात बताता हूं। एक हमारे एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है अध्यात्म रामायण, ये ब्रह्मांड पुराण का भाग है और इसको व्यास ऋषि का रचा हुआ माना जाता है परंपरा से। तो इसमें एक कथा आती है वाल्मीकि ऋषि की, और आप लोगों ने बहुधा ये कथा सुनी भी होगी। वाल्मीकि ऋषि जब श्री राम लक्ष्मण और देवी सीता जब वनवास के लिए आते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं, अयोध्या कांड में कथा आती है द्वितीय कांड के छठे सर्ग में, तो वाल्मीकि जी अपनी कथा सुनाते हैं श्री राम को, और वो कहते हैं मैं पहले डाकू था, मैं जन्म मात्र से ही द्विज था और डाकुओं के साथ रहकर मैं डाकू बन गया, मेरे पत्नी थे, बालक थे, तो एक बार सप्तर्षि मिले तो सप्तर्षियों ने मुझसे पूछा, अपनी पत्नी बालक से पूछो जाकर, पत्नी और संतान से, जो मैं पाप अर्जित करता हूँ वो उनके तुम भागी हो नहीं हो, तो जाके पूछते हैं तो पत्नी और संतान कहते हैं नहीं, हम तो केवल आपके आप जो लाते हैं उसका फल भोगते हैं, उसको खाते पीते हैं, पर आपके पाप के भागी हम नहीं है। तो वाल्मीकि जी को वैराग्य हो जाता है, फिर वो सप्तर्षियों से आकर कहते हैं मैंने बहुत पाप किए हैं, अब आप मुझे कल्याण का मार्ग प्रशस्त बताइए। तो वहां सप्तर्षि उनको उल्टा मंत्र बोलने को बोलते हैं, वे राम का जाप नहीं, वे मरा का जाप बोलते हैं,
और अध्यात्म रामायण में इसका श्लोक भी आता है, इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम् एकाग्र मनसात्रैव मरेति जप सर्वदा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, हे श्री राम, फिर उन सप्तर्षियों ने आपका नाम बताया मुझे व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम्, उसमें अक्षरों का व्यत्यास हो गया था। व्यत्यास का संस्कृत में अर्थ है उलट फेर, आगे पीछे। तो राम में रा पहले है, म पीछे है। सप्तर्षियों ने उन्हें कहा तुम मरा जपो, मरेति जप सर्वदा, मरा इति संधियों के हुआ मरेति, मरेति जप सर्वदा, और एकाग्र मन से यहीं पे मरेति जप सर्वदा। तो मरा 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 कहते कहते अपने आप ही राम 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 निकल आया। तो मैं कहता हूं किसी को राम का शुद्ध उच्चारण सीखना है तो ये अध्यात्म रामायण की कथा से प्रेरणा ले। वाल्मीकि जी ने उल्टा मंत्र जापा था, मरा मरा जपा था, और वो मरा मरा जपते जपते ही राम राम हो गया। तो यदि आपको राम का शुद्ध उच्चारण सीखना है तो मरा 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 बोलिए आप, फिर रुक जाइए रा के पीछे, रुक रहे हैं तो म के पीछे रुक जाइए, राम 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 राम, ये हो गया। तो यही राम का शुद्ध उच्चारण है। और यह कथा अध्यात्म रामायण में है, मानस में नाकार ने भी इसकी पुष्टि की है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा था वाल्मीकि जी ने और उससे वे ब्रह्म समान हो गए। तो मरा 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 कहके राम 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 निकला। तो मरा मरा बर बोलिए तो राम का उच्चारण आपको आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको योग का शुद्ध उच्चारण अपने आप सीखना है तो आप उल्टा जब उल्टा पढ़िए, गयो 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 गयो, ये आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको गयो 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 योग योग योग, ये स्वतः आपको उच्चारण आ जाएगा। वेरी गुड। तो जो उल्टा मंत्र सप्तर्षियों ने बताया था वाल्मीकि को मरा जपने का, जिससे राम जपना, वैसे ही आप गयो गयो बोलें तो योग का शुद्ध संस्कृत उच्चारण हमको सहजता से मिल सकता है। तो ये हुआ राम और योग पे। अच्छा, और ऐसे तो हिंदी में भी कहीं कहीं अवधि में विशेषतः राम का रामा भी होता है, वह भी प्रकृति है हिंदी की कभी कभी। अब जैसे चैती है, हमारे भारतीय लोक संगीत में चैती गाते हैं चैत्र मास में, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी बड़ी अच्छी चैती गाते हैं। तो क्योंकि चैती चैत्र के महीने में मास में गाई जाती है और चैत्र मास में राम जी का जन्म हुआ है, तो प्रत्येक पंक्ति के अंत में हो रामा आता है। तो चैत मास बोले रे कोयलिया हो रामा, तो वहां पे दो मात्राएं हो जाती हैं माँ के पश्चात, क्योंकि वो संगीत है, संगीत में मात्रा के अनुरोध से शब्द को हम खींच सकते हैं। और यही मानस में भी आप देखेंगे राम शब्द के उच्चारण, जैसे मैंने बताया राम राम कही राम कही राम राम कही राम, यहां तो राम शब्द तीन मात्राओं का है, परंतु अब काक भुशुंडी जी क्या कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, वहां पे चार मात्राएं हो जाएंगी क्योंकि चौपाई छंद में 16 मात्राएं आनी चाहिए पूरी, तो वहां छंद के अनुरोध से रामा हो गया। उसी प्रकार लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेरेसी मन महु रामा। तो ये कहीं कहीं अवधि में ब्रज में रामा, चैती में लोक संगीत में रामा, तो लोक संगीत में कीर्तन में रामा, ऐसा दीर्घ उच्चारण भी होता है, परंतु उसको हम वहां की विशेष परिस्थिति समझेंगे। जैसे राम बोलचाल में एक विशेष प्रकृति है भाषा की, तो वैसे ही एक गायन की विशेष परिस्थिति में रामा शुद्ध है, क्योंकि वहां छंद पूरा करना है, मात्राएं पूरी करनी है, तबले की जो ताल है उसकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप चार मात्राओं की ताल से गाएंगे 16 मात्राओं की ताल पे गाएंगे तो एक तबले की ताल मिस नहीं होनी चाहिए, और यदि एक छंद में एक मात्रा छूट गई तो ताल गड़बड़ा जाएगी, तो उन परिस्थितियों में ठीक है। और इसीलिए जो कीर्तन भी होता है इस्कॉन का, जैसे आप देखे होंगे तो कीर्तन में हरे रामा 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 हरे हरे, तो वहां गायन है, इसलिए कीर्तन में
संभव है इसका चार मात्राओं का उच्चारण, परंतु जो शुद्ध मंत्र है, जो मंत्र कलि संतरणोपनिषद में प्राप्त है, वह मूल मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ पे पहले हरे राम है, तो ऐसी मान्यता है बहुत वैष्णव समुदायों में, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है, और वैदिक मंत्र में सब लोग अधिकृत नहीं है, केवल जिसका यज्ञोपवीत संस्कार है, जो गुरु से दीक्षा प्राप्त है, उसी को गुरु परंपरा से ही वेद की अनुमति है सीखने की। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को उल्टा, जैसे राम को मरा किया सप्तर्षियों ने वाल्मीकि के लिए, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम को पीछे कर दिया और हरे कृष्ण को आगे कर दिया, और ये महामंत्र बना हरे कृष्ण महामंत्र। मूल वैदिक मंत्र कलि संतरणोपनिषद में हरे राम पहले है, हरे कृष्ण पीछे है, चैतन्य महाप्रभु जी ने इसका क्रम उलटा, तो आनुपूर्वी इसकी वैदिक श्रुति की नहीं रही, इस प्रकार सबको अधिकार मिल गया और इसी इस महामंत्र का उन्होंने प्रचार किया, जिसमें सभी अधिकृत हैं, जिसमें किसी भी यज्ञोपवीत की अथवा वैदिक परंपरा से गुरु से अपने शाखा के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, सबका अधिकार है। तो ये एक उनका लोक कल्याणकारी कार्य था। तो शुद्ध मंत्र हरे राम ही है, और गायन में कीर्तन में हरे रामा ऐसे, क्योंकि गायन में आप ताल पे जाते हैं, आप उसको लंबा खींचते हैं, तो सब गायन की अपनी कीर्तन की अपनी विशेष परिस्थिति है। तो ये यहाँ की वस्तुस्थिति है। धन्यवाद। अब मैं कई मेरे नॉर्थ इंडियन दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका नाम है कृष्ण, कृष्ण भगवान का, लेकिन वो अपने आप को कृष्ण कहते, कृष्ण, और उनको मतलब दे वेरी क्लियर कृष्ण, मेरा नाम कृष्ण है, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं है। इफ यू टेल देम कि द रियल नेम इज कृष्ण, दे विल से आप तो सैफरन कर रहे हैं, एंड दीज आर हिंदू पीपल, सेक्युलर पीपल, और उनके लिए ये एक रिलीजियस बन जाता है कि आप ठीक तरह से संस्कृताइज कर रहे हैं, उनके नाम को संस्कृताइज कर रहे हैं, आवर बुक इज कॉल्ड संस्कृताइजिंग इंग्लिश, तो वो संस्कृताइज कर रहे हैं, उनको बुरा लगता है। और लेकिन एंड दे विल से हमारे माता पिता ने हमको नाम दिया है कृष्ण कृष्ण, एंड दे विल ऑल्सो से कृष्ण भगवान, दे विल से कृष्ण भगवान, एंड दे विल नॉट से कृष्ण, दे विल नॉट से दैट। सो वॉट यू हैव एक्सप्लेन्ड इज कि वो हिंदी अडेप्टेशन है, ठीक है, वो भी संस्कृत ओरिजिनल इज कृष्ण, इट इज नॉट कृष्ण जी, संस्कृत ओरिजिनल इज योग, इट इज नॉट योग विदाउट द ए, इट इज नॉट राम बट राम, और आपने कहा है कि वो क्लासिकल संस्कृत है, वो ठीक है, और ये जो एडेप्टेशन है मॉडर्न हिंदी की, वो भी ठीक है। अब आप, मैं फाइनल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हिंदी है, इसमें क्या उर्दू का पर्शियन का इन्फ्लुएंस है या अलग ही कोई अपनी अडेप्टेशन है? ये मेरे विचार से तो यद्यपि मैं इस पे बहुत पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस विषय में बहुत अध्ययन नहीं किया है, परंतु मेरे विचार से ये एक स्वतंत्र विकास हुआ जो उत्तर भारत और पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत की भाषाओं में, जिसमें शब्द के अंतिम आकार को उच्चारण जिसका नहीं किया जाता, तो ये उर्दू अथवा फारसी का प्रभाव है ऐसा मुझे नहीं लगता, परंतु मैं इस विषय में आश्वस्त पूरी तरह पूरे पूर्ण रूप से नहीं हूँ, क्योंकि इतनी सभी भाषाओं में प्रभाव है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये इसके पहले से ही हुआ, उर्दू फारसी के प्रभाव से पहले से ही इसका ये प्राकृत का प्रभाव इसमें अधिक है, क्योंकि प्राकृत में बहुत सी विकृतियां आती हैं। जैसे आप देखिए जो ढाई शब्द है, ढाई बोलते हैं हम हिंदी में, ढाई बजे हैं, ढाई किलो, तो ढाई शब्द का मूल स्वरूप यदि आप मैं बताऊं अर्ध तृतीय है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, परंतु है, अर्ध तृतीय संस्कृत में शब्द है, इसका अर्थ है जिसमें तीसरा आधा है, जिसमें अर्ध तृतीय यस्मिन स अर्ध तृतीय, जिसमें तीसरा आधा है वो अर्ध तृतीय, अर्थात दो पूरे और तीसरा आधा अर्थात ढाई। अब वो अर्ध तृतीय होते 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 अढ़ाई 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 और ढाई बन गया, इसी प्रकार अर्ध चतुर्थ
अढ़ुट होके हूठ बन गया। तो शब्दों में बहुत विकृतियां आई, ये प्राकृत से, पाली से, और ये इनमें से बहुत सारी तो प्राकृत प्रकाश एक व्याकरण ही है जिसमें इन सबको गणित रूप से समझाया गया है, कैसे रात्रि का रात हो गया, कर्म का काम हो गया। तो इसी प्रकार की एक विकृति जो उच्चारण में अंतिम अ का उच्चारण न होना, कहीं कहीं बीच में भी ना होना, परंतु यदि हम देखें तो कविताओं में होता है, काव्य में होता है, इसलिए ये पूर्ण रूप से हटा भी नहीं है, ये गायन में काव्य में तो है, बोलचाल में नहीं है, तो एक विशेष परिस्थिति में है, विशेष परिस्थिति में नहीं है, और इसलिए मुझे ये नहीं लगता ये उर्दू फारसी का प्रभाव है। ठीक है, धन्यवाद नित्यानंद जी, आपसे जब भी मैं बातचीत करता हूँ आई लर्न अ लॉट, और जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो उनको भी बहुत आनंद आता है। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब ये जो है हमने हिंदी में किया, लेकिन जो हमारे साउथ इंडियन भाई बहन हैं हम उनको भी थोड़ा समझाएंगे आके कि व्हाट यू आर सेइंग इन साउथ इंडियन मेकिंग आ इज अडेप्टेशन, यू शुड नॉट फील एम्बेरेस्ड इफ यू गो टू नॉर्थ एंड समबडी सेज आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। यू कैन शो दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ नित्यानंद मिश्रा टू से कि लिसन, नित्यानंद मिश्रा हैज सेड कि आपकी नॉर्थ इंडियन में ये थोड़ी वेरिएशन है, हमारी साउथ इंडियन में ये वेरिएशन है। एक तरह से तो दोनों ही गलत हैं बिकॉज संस्कृत में और ही मेथड है, और एक तरह से दोनों ही ठीक हैं बिकॉज लोकल एडेप्टेशन हो रही है, वो भी अलाउड है। सो इससे मैं ये आई वॉन्ट टू कंक्लूड, और थैंक यू वेरी मच नित्यानंद जी, नमस्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू कैन सब्सक्राइब हियर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन टू मेक श्योर यू गेट नोटिफाइड। टू डोनेट, please click this button.